नमस्कार। तुलसीदास रचित श्री हनुमान चालीसा की 22वीं चौपाई में तुलसीदास महाराज हनुमान भगवान के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कि हे हनुमान, जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद एवं सुख की प्राप्ति होती है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता। मतलब कि आपके चरणों में ही हर तरीके का सुख है। वंस समवन सरेंडर्स एट योर फीट, ही विल बी ब्लेस्ड विथ अल्टीमेट हैप्पीनेस, जॉय, पीस एंड प्रोटेक्शन। उसको अपने जीवन में किसी चीज़ से डर नहीं रहता है, आप क्योंकि आप उसके रक्षक हैं। आप जब देवता श्री राम के रक्षक हैं, आप जब श्री राम के द्वारपाल आप हैं, तो जब आप प्रभु की रक्षा कर सकते हैं, तो जो आपकी शरण में आते हैं, जो कोई भी आपकी शरण में आते हैं, उन सबके भी रक्षक हैं, तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता। ऐसा लिखते हैं 22वीं चौपाई में तुलसीदास महाराज। और फिर 23वीं चौपाई में लिखते हैं कि आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँक दे कापे। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँक दे कापे। हे हनुमान, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। मतलब यू आर द वन हु कंट्रोल्स योर ओन स्पीड, यू आर द अल्टीमेट पावर, यू आर द पावर एक्चुअली, यू आर द सोर्स ऑफ पावर। ऐसे कह रहे हैं कि मतलब पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों में ऐसा कोई है नहीं जो आपको रोक सके। मतलब यू आर वेरी पावरफुल, और आपके वेग, मतलब आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, कि आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। और जब इस लाइक कि पाताल लोक में एक बार जब धोखे से, छल से अहिरावण जब श्री राम और लक्ष्मण को विभीषण के भेष में आके ले गया था और वहाँ पे जाके बंदी बना लिया था, तब हनुमान भगवान ने पाताल लोक में भी जाके ढूंढ के उसको, मतलब ढूंढ के उसको मारा और इन लोगों को मुक्ति दिलाई। लाइक दैट कि श्री राम और लक्ष्मण को मुक्ति दिलाई, और वो उस वक्त अपने पंचमुखी अवतार में आए। श्री हनुमान उस वक्त आए अपने पंचमुखी अवतार में। ये सब कह रहे हैं कि पूरे स्वर्ग में भी आपकी उपासना होती है, स्वर्ग, धरती और पाताल लोक में हर कोई आपको जानता है। आपके आपका जो तेजस है उसे हर कोई वाकिफ है। तो ये कह रहे हैं तुलसीदास महाराज 23वीं चौपाई में। इसमें एक चीज़ और है कि हमें, जब हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ जब पढ़ रहे हैं, तो इनके शब्दों में भी काफ़ी पावर होता है। दैट इज़ वाई इट्स लाइक आई एम गिविंग मोर इम्फेसिस ऑन कि ये क्या लिखा है, संहारो आपे, मतलब आपन तेज संहारो आपे। कुछ कुछ मतलब हर शब्द में भी एनर्जी है, और ये अवधि भाषा है, तो हमको बहुत ध्यान से जब पढ़ना है तो, और वो भी ऐसा होता है कि कई बार और एट वंस यू कैन नॉट हैव दैट फ्लुएंसी। आपको तुरंत अब जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एकदम से नहीं आएगा, इफ़ यू आर न्यू लाइक मी। जैसे हमारे घर में हनुमान चालीसा रखी हुई है, पढ़ते थे मम्मी पापा, बट इट्स लाइक दैट कि मुझे पता है, हाँ दो लाइन आती हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीन लोक उजागर, उतना ही। और क्योंकि वो भी गुलशन कुमार साहब, उनका गाना बजता था हमारे मोहल्ले में, और कहीं भी जाइए मंदिर में और गांव में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे बजता है सुबह सुबह, दे प्ले इट, इट्स अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो म्यूजिक के थ्रू ऑल्सो इट केम, एंड इट्स लाइक कि जब इसका जो पावर है, इसका जो शब्दों में है, वो धीरे धीरे मतलब समझ में आता है जब आप पढ़ने लगते हैं। और ये चीज़ है कि ये अवधि में लिखी है, तो कुछ कुछ समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ में नहीं आती। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं तेज, तो तेज से तुलसीदास महाराज रेफर्स टू वेग। वेग का मतलब क्या होता है, स्पीड। वेग को हम स्पीड कहते हैं। तो ये कुछ कुछ टर्म्स जो हैं, जो हम तेज का मतलब, जैसे आई फील लाइक द ग्लो, दिमाग उस तरफ जाता है कि शायद वो तेजस्वीपना जो है उनका, उसकी बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट तेज, इट इज़ वेग, तेज। वैसे बातें कर रहे हैं आप अपना तेज समारोह आप, तीनों लोग हाँकते कापे। तो चीज़ें हैं मतलब जिससे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और
रिलीजियसली पढ़ना चाहिए, बहुत मन लगा के हनुमान चालीसा को। से शंकर भगवान ने खुद तुलसीदास महाराज को लिखवाया है। सो इट्स लाइक दैट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।